नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ही चैनल गैरेज रोड 09 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं बाइक में एलपीजी किट को किस तरह से लगाया जाए, और इसमें आपको ऐसे तरीके समझाए जाएंगे जिससे आप खुद घर पर अपनी बाइक में आसानी से लगा सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आएगी उनको पहले जानते हैं, फिर हम आपको लगा कर दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं गैस टैंक से। ये जो गैस टैंक है जो अलग अलग कैपेसिटी के अनुसार आएगा, हम अब ये नहीं बताना है कि कितने किलो का है। इस गैस टैंक में यहाँ से गैस फिल होगी और यहाँ से इसकी एयर निकाली जाएगी, ठीक है। इसका काम इतना ही है कि यहाँ से गैस को भरेगा और आगे सप्लाई करेगा। फिर सेकंड नंबर जो है वो आएगा आपका रेगुलेटर का। रेगुलेटर जो कि हमारे घर में किचन में जो यूज़ करते हैं गैस टैंक पर, वही रेगुलेटर है जो कि लो प्रेशर रेगुलेटर के नाम से आता है। इसका काम है यहाँ की गैस को आगे सप्लाई करना। अब ये कहाँ करेगा वो आपको दिखा दे दूसरी चीज। ये जो पार्ट है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये समझ लो। जैसे बाइक में कार्बोरेटर इम्पोर्टेंट होता है, वैसे गैस वाली गाड़ी में वेपोराइजर का इम्पोर्टेंस होता है। इसका काम होता है यहाँ की गैस को इसमें लेना और बाइक की आवश्यकता अनुसार, जैसे हम एक्सीलेटर को प्रेस करते हैं, एक्सीलेटर खींचते हैं, उस अनुसार बाइक की स्पीड को कम ज़्यादा करना। ये कार्बोरेटर की तरह ही है और गैस किट के साथ में जब लगता है तो इसका नाम हो जाता है वेपोराइजर। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन सी पाइपें लगती है, ये आपको समझाते हैं। जैसा कि इसमें एक ये होल दिया गया है, ये जो पाइप यहाँ पे जो लगेगी वो आएगी आपके रेगुलेटर से, मतलब गैस टैंक से जो गैस आएगी वो यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे। देखिए पाइप आती है साथ में उसकी सहायता से, यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। अब उसके बाद में ये जो पाइप बचती है इसके यहाँ पर एक एडजस्टिंग स्क्रू लगा हुआ है। यहाँ से जो पाइप जाएगी वो आपकी जाएगी कार्बोरेटर के पहले, मतलब यहाँ से गैस जब हम स्टार्ट करेंगे बाइक को तो यहीं से गैस की सप्लाई होगी। अब प्रश्न ये होता है कि इसको कैसे पता चलता है कि जब हमारी गाड़ी स्टार्ट है, एक्सीलेटर हम खींच रहे हैं, तो ये कब गैस कम करे कब ज़्यादा करे। उसके लिए ये जो होल दिया गया है इसमें बाइक का वैक्यूम चाहिए इसको, तो इसमें हम वैक्यूम पाइप को लगाएंगे। अब वो कहाँ से लगाएंगे वो आपको दिखाते हैं। अभी इसकी कहानी पूरी हो गई है, अभी हम आपको दिखाते हैं बाइक से वैक्यूम कहाँ से मिलेगा हमें, क्योंकि इसके लिए वैक्यूम वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो होल आपको बताया जो कि रेगुलेटर से कनेक्ट होगा, दूसरा जो कि बाइक को हम गैस सप्लाई करेंगे, तीसरा जो है वैक्यूम के लिए, तो हमें वो जगह ढूंढनी है बाइक में वैक्यूम कहाँ मिलेगा, हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि हमारे पास में जो बाइक है हीरो स्प्लेंडर है, और इसमें ये जो इनलेट मैनिफोल्ड है इसे आम भाषा में ब्लोंज कहा जाता है, यहाँ पर एक पाइप लगी हुई है। इस पाइप से वैक्यूम मिलता है। अब इस बाइक में पहले से ही ये होल है और यहाँ पे पहले ही निप्पल लगी हुई है, तो हम क्या करेंगे यहीं पे एक टी सॉकेट जोड़ेंगे पाइप की सहायता से और यहीं से हम वैक्यूम ले लेंगे। अब उसके लिए हम इसको खोल लेते हैं जो आपको समझाने में आसानी रहेगी, इसको मैं पहले खोलता हूँ। जैसा कि हमने आपको कहा था इस यूटिलिटी बॉक्स को हम खोल देंगे, इसको अलग कर लिया है, इसको साइड कर। अब यूटिलिटी बॉक्स को हटाने के बाद में आप स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं ये जो पाइप दिखा हुआ है इसे ओरिजिनल भाषा में इनलेट मैनिफोल्ड कहा जाता है और नॉर्मल में ब्लोंच कहते हैं। यहीं से जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो इनलेट वाल्व दबता है और यहीं से वैक्यूम का प्रभाव कार्बोरेटर पर आता है, कार्बोरेटर से पेट्रोल की सप्लाई होती है, तो वैक्यूम हमें इसी पाइप से मिलेगा। यहाँ पहले ही कंपनी ने एक होल दिया है, ये जो आपको होल दिख रहा है ये निप्पल लगी हुई है, यहाँ से हम वैक्यूम की एक पाइप लगाएंगे और हमारे वेपोराइजर को वैक्यूम दे सकते हैं। तो इस बाइक में पहले एक सिस्टम दे रखा है जिसमें इंजन में भी कुछ ऐसा है जिससे उसको भी वैक्यूम चाहिए, तो हम क्या करेंगे एक पाइप और कनेक्ट करेंगे यहाँ, जैसा कि यह कर दी। अब इस पाइप में स्टी सेकोड को लगाएंगे, जैसा कि हमने एक पाइप की सहायता से स्टी सॉकेट को लगाया है, इससे एक पाइप जो कि पहले लगी हुई थी उसको हमने यहाँ लगा दी, एक पाइप यहाँ लगा दी। अब जो पाइप बचती है इस पाइप को हम यहाँ कनेक्ट करेंगे और ये इस तरह से हमें वैक्यूम मिल जाएगा। इस पाइप को हमें इस वेपोराइजर पर
कनेक्ट करना है। ये पाइप है ये थोड़ी लंबी है, बाकी एक ही पाइप है, इसको हम यहाँ लगाएंगे। ये वैक्यूम का काम तो हमारा क्लियर है। अब हम इसकी सीट को ओपन करेंगे। पैनल हमने पहले ही खोल रखे हैं और आपको स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए हम इसका फ्यूल टैंक भी उतार देंगे, जिससे आपको पता चल जाएगी कौन सी पाइप को कहाँ से डालना है, कहाँ पे क्या करना है। अब एक और बात आपको और समझा देता हूँ, जो कि हमने आपको कहा था ये ब्लैक वाली जो पाइप है यहाँ से गैस की सप्लाई होगी, यहाँ से जो गैस निकलेगी वो जाएगी आपको कार्बोरेटर से पहले। ये जो होस पाइप दिख रही है आपको ब्लैक कलर की, इसमें एक छेद करेंगे और वहीं से इस पाइप को कार्बोरेटर में डाल देंगे। इससे जब भी एक्सीलेटर लेंगे तब उतनी गैस की सप्लाई होगी और यहाँ से वैक्यूम के प्रभाव से उतनी गैस मिलेगी और हमारी गाड़ी को स्पीड मिलेगी और उतना ही पिकअप मिलेगा। अभी हम इसकी सीट को खोलते हैं, फ्यूल टैंक को उतार दें, फिर आपको दिखाते हैं। जैसा कि हमने आपको वैक्यूम की पाइप को लगाने के लिए बात करी थी, तो हमने ये पाइप का टुकड़ा लिया, टी सॉकेट जोड़ा, इसके साथ में जो पाइप आई थी ये हमें ऐसा लग रहा था ये कभी भी टूट सकती है, हमने इस पाइप को भी चेंज कर दिया और ये कनेक्ट करके इस पाइप को जोड़ लिया। इसके साथ में गैसकेट के साथ दो पाइपें आती है एक एक मीटर की, इस पाइप को यहाँ छोड़ देते हैं। अब एक और पाइप हमें कहाँ लगानी है वो आपको समझाते हैं। पहले हम इस क्लिप को खोलेंगे, कार्बोरेटर वाले ये दिख रहा है क्लिप, इसको खोलेंगे फिर इसमें होल करेंगे। अभी वो दिखाते हैं आपको, इस टाइप का जो फिलिप्स या चार मुंह वाला जो स्क्रू ड्राइवर है जो आपकी बाइक के टूल में हमेशा रहता है, यह सामान्यतः घर पर मिल जाता है, इससे क्या करें ये स्क्रू को खोलेंगे तो ये आपका क्लिप खुल जाएगा। ये खुल गया है, अब हमें क्या करना है, कार्बोरेटर को नहीं खोलना है और यहाँ इस होस पाइप को पीछे की तरफ करना है। जैसा कि हमने कर दिया है, जैसा कि हमने आपको कहा था इस ब्लैक वाली पाइप से वेपोराइजर जो है गैस को सप्लाई करता है इंजन के लिए, जो कि यहाँ से एक पाइप कनेक्ट करेंगे जो यहाँ आएगी। अब इस पाइप को हम चाहें तो यहाँ पे भी दे सकते हैं, अगर यहाँ दोगे तो बाइक एक्सीलेटर से कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि बीच में है लगा है कार्बोरेटर और कार्बोरेटर जो एक्सीलेटर वायर है यहाँ से एक बटरफ्लाई अप डाउन होती है, अगर यहाँ से करेंगे तो एक्सीलेटर से कंट्रोल नहीं होगी गाड़ी। तो इसलिए हमें बाइक को जैसे हमारी कार्बोरेटर से पहले चल रही थी उसी तरीके से चलाना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक होल करना है, होल करने के बाद में पाइप को यहाँ घुसाएंगे और यहाँ तक निकालेंगे, वो करता हूँ फिर दिखाता हूँ। होल की जो कि आपके स्क्रू ड्राइवर से हो जाएगा, ऐसे कोई हार्ड पाइप नहीं है ये। जैसा कि हमने होल कर दिया है, अब इसमें इस पाइप को डालना है। जो कि ये पाइप चली गई है, इस पाइप को यहाँ तक ले आना, मतलब इस पाइप को ऐसा सेट करना है कार्बोरेटर के जस्ट यहाँ आ जाए, मतलब इससे जो भी गैस निकलेगी वो कार्बोरेटर के अंदर डायरेक्ट जाएगी। ऐसा नहीं कि आप पूरी अंदर डाल दो और फिर यहाँ एक्सीलेटर में कहीं फंस जाए, हमें इसको ऐसा सेट कर देना है इस तरीके से। ये जो है ये पोजिशन ठीक है, ठीक है, अब इसको वापस फिट कर देते हैं। जैसा कि हमने इसको लगा लिया है, वापस उस स्क्रू को टाइट कर देंगे और क्लिप टाइट हो जाएगी, और इसे टाइट करना बहुत ज़रूरी है, टाइट नहीं करोगे तो यहाँ से जो हवा जाएगी वो गंदी हवा जाएगी और आपके इंजन के लिए वो सेहत के लिए ख़राब रहेगी, और अगर ये ढीला रहेगा तो यहाँ से गैस भी लीक करेगी। और दूसरी बात ये कि गैस पर जब भी हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो उसमें चाहिए हवा बिल्कुल कम, और यहाँ से पहले ही हवा मिलेगी तो आपकी गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम ज़रूर करेगी, इसका विशेष तौर से ध्यान रखें। ये जो होल हमने किया है इसके अलावा इस पाइप में और कोई होल नहीं होना चाहिए, और ये क्लिप पूरा टाइट होना चाहिए, ये ना हो ये कहीं से कटा हुआ हो उस पाइप तो इसे नया डाल दें। अब इसे लॉक कर दिया है। जैसा कि हमने आपको बताया था ये एक पाइप जो कि वेपोराइजर के इस वाले पार्ट में लगेगी,
ये यहाँ से निकलेगी इंजन के लिए, एक वैक्यूम के लिए। दो पाइपें हो गई, ये पतली वाली जो हमने कनेक्ट कर दी है, एक पाइप यहाँ है और एक पाइप ये है। अब हम आपको यहीं पर गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाते हैं। जैसा कि हमने पेट्रोल की सप्लाई को ऑफ कर, जैसा कि फ्रेंड्स हमने आपको कहा था, इसका फ्यूल टैंक तो हमने पहले ही खोल रखा है। अब इसके जो कार्बोरेटर में, जैसा कि सभी गाड़ियों में कार्बोरेटर के अंदर 35 ग्राम के लगभग पेट्रोल रहता है, उस पेट्रोल को भी हम निकाल देंगे। तो यहाँ से एक स्क्रू दिया हुआ है और यहाँ हम एक बोतल लगा देंगे जिससे वो पेट्रोल वेस्ट ना हो। इसको ढीला कर लिया है, अब जो भी पेट्रोल यहाँ आ रहा है, ऐसा सब आप घर पर आसानी से कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। देखो अब जो पेट्रोल आना बंद हो गया है, और भी इसको पूरा खोल के चेक कर लेते हैं, बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। अब इसको वापस लॉक कर देते हैं, पेट्रोल को कर लिया खाली। अब हम आपको यहाँ पे इसी कंडीशन में गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाएंगे। उससे पहले हमें क्या करना है, रेगुलेटर के ऊपर पाइप को कनेक्ट करनी है, और जो कि साथ में क्लिप आए हैं इनको भी लॉक करते हैं, उसके कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं। जैसा कि हमने वेपोराइजर और रेगुलेटर को कनेक्ट कर लिया इस पाइप के द्वारा, और ये दोनों क्लिपें भी लगा दी है ताकि ये खुले नहीं। और जैसा कि इस टंकी के अंदर पहले से ही गैस भरी हुई है, जो हम आपको दिखा देते हैं। जैसा कि हमने आपको कहा था, इसको कनेक्ट करके दिखाते हैं। कनेक्ट करने के लिए हमने रेगुलेटर और वेपोराइजर को तो हमने कनेक्ट कर लिया है, बची ये दोनों पाइपें। इनमें से जो कि यहाँ से जो पाइप हमने कनेक्ट करी थी लॉन्च या अपने इनलेट मैनिफोल्ड से, इस पाइप को तो लगानी है हमें वैक्यूम में। वैक्यूम जो कि आपको बताया था यहाँ से, इसको वैक्यूम चाहिए, यहाँ लगा दी। सेकंड पाइप जो है हमने इस होस पाइप से लगाई थी, ये होस पाइप, यहाँ से गैस की सप्लाई जाएगी वेपोराइजर के द्वारा। अभी इस पाइप को यहाँ लगाएंगे तो जाएगी नहीं। अभी यहाँ पे ऐसा क्या करें, एक पाइप लग जाए। हमने क्या किया, एक ऐसी पाइप ली, उसको काटा एक छोटे से टुकड़े को, और उसको यहाँ लगा दिया, और ये पाइप इस पर थोड़ी सी टेप लगा दी और इसके अंदर डाल दी। अब ये कंप्लीट है, यहाँ से जो भी गैस निकलेगी इस पाइप के द्वारा इस होस पाइप में चली जाएगी, और जिससे हमारी गाड़ी आसानी से स्टार्ट हो जाएगी। अभी रेगुलेटर यहाँ पे कनेक्ट है, गैस को ऑन करते हैं। और एक और सावधानी वाली बात, जब तक इस कार्बोरेटर में पेट्रोल नहीं होगा तभी आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी। कार्बोरेटर में अगर पेट्रोल रहेगा तो गाड़ी स्टार्ट कभी नहीं होगी, क्योंकि दोनों फ्यूल के साथ में एक ही साथ स्टार्ट नहीं होती गाड़ी का। जैसा कि हमने आपको पहले ही वीडियो में दिखा चुके हैं कि इस पाइप से इस स्क्रू को खोलकर कार्बोरेटर का सारा पेट्रोल हमने निकाल लिया था, क्योंकि बाइक हमेशा एक फ्यूल से स्टार्ट होगी। या तो पेट्रोल से चलाओ, या फिर आप जो भी दूसरा एक्सटर्नल फ्यूल जो दे रहे हो उसको LPG है उससे करो। तो हमने इसको खाली कर लिया है। अब इसमें एक और चीज़ है, जब हम गैस से स्टार्ट करते हैं, गैस पहले ही उसमें बहुत सारी गैसें मिक्स है। कार्बोरेटर में जब पेट्रोल से जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो उसके लिए हमें चाहिए सबसे ज़्यादा हवा, और पेट्रोल कुछ कम मात्रा में चाहिए। अब यहाँ क्या है, पहले ही गैस है तो इसके लिए हमें ये एयर क्लीनर का जो होल है इसको हमें बंद करना पड़ेगा। अभी हम ये कपड़ा डाल देते हैं जिससे कि यहाँ से हवा नहीं ले पाए। ये लगाया और पाइपें आपको एक बार और दिखा देते हैं। जैसा कि ये आपकी वैक्यूम वाली पाइप यहाँ लगी हुई है, ये आपकी होस पाइप वाली पाइप जिससे गैस निकलेगी वेपोराइजर के द्वारा, ये यहाँ लगी हुई है। ये पाइप रेगुलेटर से कनेक्ट है, गैस की टंकी के अंदर गैस भरी हुई है, रेगुलेटर ऑन है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे बाइक ऑन करी, किक यहाँ किक से स्टार्ट करेंगे, सेल्फ नहीं है ये। जैसे कि हमने कपड़ा लगा दिया है, गाड़ी की चाबी ऑन है, अभी हम इसमें किक लगाएंगे और स्टार्ट करेंगे, जो कि बाइक हमारी एकदम स्टार्ट है। अब ये कपड़ा तो रोज़ हम नहीं लगा सकते, हम क्या करेंगे, ऑयल का एक ढक्कन लेंगे,
ये जो कि आप जब भी सर्विस कराते हो तो ऑयल के डिब्बे का जो ढक्कन है उसे आप साथ में ले आए और इसमें एक छोटा सा होल कर दें, जो कि हम इसी से कर देंगे और आप भी आसानी से पेचकस से कर दोगे। कपड़े को हटाएंगे, यहाँ इस ढक्कन को लगाएंगे और ये आसानी से लग जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ ढक्कन लगाने की कोशिश की, ढक्कन नहीं मिला तो हमने ऐसा फ्यूल टैंक का रबड़ जो था वो हमारे पास में एक्स्ट्रा था, उसको हमने यहाँ लगा दिया। आपको कुल मिला के इस होल को बंद करना है। उस होल को बंद करने के बाद में एयर क्लीनर के यहाँ पे एक छेद कर देंगे, जो कि हमने यहाँ कर दिया है। ठीक है, अब इस बाइक को स्टार्ट करते हैं, फिर इसकी सेटिंग कैसे करते हैं वो आपको समझाते हैं। बाइक स्टार्ट है, अब हमें क्या करना है, ये जो वेपराइजर है इसके इस वाले ढक्कन को खोल लेंगे। अभी हम इसकी एक्सीलेटर को पकड़ेंगे और इसको टाइट करेंगे, ऐसी कंडीशन लाएंगे जहाँ पर एक्सीलेटर बिल्कुल कम हो जाए। जैसा कि ये बाइक अब दबने लग गई है, अभी रेस नहीं ले रही, अभी हमें इसको खोलेंगे, ऐसी जगह लाएंगे जहाँ पर फुल एक्सीलेटर ले। अब इसको धीरे धीरे खोलेंगे, जैसा कि हमने इसको सेट किया है फुल एक्सीलेटर पर आ गई है। अभी ये इसकी परफेक्ट सेटिंग है, अब इसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको सेट कर देंगे बाइक में और फिर इसको चलाएंगे, कई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी आपको एक बार स्टार्ट करके दिखाते हैं, बाइक स्टार्ट है और एक्सीलेटर लिया, एकदम अच्छा एक्सीलेटर ले रही है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये बाइक का आइडल थोड़ा ज़्यादा है, इस वाले स्क्रू को खोलेंगे, इससे आइडल बढ़ेगा और इसको आइडल हमें कम करना है तो इसको टाइट करेंगे, कम हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हमें ऐसा चाहिए जिसमें बाइक बंद ना हो, कार्बोरेटर के वहाँ से बढ़ाएंगे तो पेट्रोल पे भी बढ़ जाएगा। अभी इसको फिट करते हैं इसमें, तो उसके बाद में आपको दिखाते हैं इसी पाइप कैसे फिट करते हैं वो समझाते हैं। ये जो आपको तरीका दिखाया था ये तो एक ओनली फॉर आपको एक समझाने के लिए था कि कौन सी पाइप कहाँ पे लगानी है, कैसे क्या करना है। अब जो प्रॉपर तरीका है किस तरीके से पाइप को लगानी है, कहाँ कहाँ होल करने हैं, कैसे फिट होगा, वो आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे दिखाएंगे। जैसा कि फ्रेंड्स हमने आपको कहा था कि हम इसमें एकदम पक्के तरीके से इसको फिट करेंगे और कहाँ कहाँ से पाइप को ले जाना है वो आपको दिखाते हैं। जैसा कि एक पाइप जो हमने यहाँ पर दिखाई थी, टी सॉकेट लगाया था, वैक्यूम वाली पाइप, उस पाइप को हमने यहाँ से होते हुए इन केबलों के पीछे जिप टाई से यहाँ लॉक किया और फिर यहाँ और फिर टैंक के अंदर। ऐसे ही इसी एक और पाइप, ये वैक्यूम वाली पाइप हो गई और ये आपकी गैस वाली पाइप या फ्यूल की पाइप बोल सकते हैं उसको, गैस वाली पाइप को दोनों को साथ में ऐसे ले गए कि जहाँ से कभी दबे नहीं पाइप और इनको आसानी से ये चली जाए। ये अगर ये ज़्यादा मुड़ेगी या दबेगी तो गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम करेगी, तो इसको हमने ऐसे फ्री रखा है ताकि ये पाइपें दबे नहीं और जिप टाई से लॉक कर दिया है बिल्कुल हल्की। फिर यहाँ से होते हुए इधर लगे, यहाँ जो हमारा शोकर का जो बोल्ट है यहाँ पे हमने जिप टाई से लॉक किया, फिर यहाँ पे हमने इस डिग्गी के दो होल किए, इन दो होल में से इन पाइपों को अंदर डाल दिया। जैसा कि आप देख रहे हो अब ये पाइपें जो कि डिग्गी के अंदर आ चुकी है। अब जो फर्स्ट वाली पाइप है वो वैक्यूम वाली, उसको वैक्यूम में डाल लिया और सेकंड पाइप थी जिसको हमने गैस वाली गैस में डाल दिया। जैसा कि इस वेपराइजर के पीछे की तरफ स्क्रू थे, अब पाइपों का हमने आपको पूरा समझा दिया है। अब वेपराइजर भी आपको यहाँ जैसे फिट किया उसी तरह से है, उसको लॉक करने के लिए उसके पीछे दो स्क्रू थे, हमने इस डिग्गी में दो होल करे बिल्कुल इसकी साइज के अकॉर्डिंग और इसको टाइट कर दिया ताकि वेपराइजर हिले नहीं, ये अपनी जगह बना रहे। जैसा कि इसको लॉक कर दिया है, अब इसको हिला रहे हैं, ये नहीं हिल रहा है, ये बिल्कुल फिक्स हो चुका है। अब जो हमारा गैस का टैंक है इसको भी हमने ये कागज़ वागज फोम वोम लगा के लॉक कर दिया है ताकि ये हिले नहीं, जब भी गाड़ी खड्डों में जाए तो ये आवाज़ करेगी, इसको हमने फिक्स कर लिया है। और ये इस तरह से हमने इसकी पाइपों की सेटिंग करी है, जो कि आपको एक बार और दिखा देते हैं।
यहाँ पे फ्यूल टैंक है। जैसा कि ये गैस का रेगुलेटर है, रेगुलेटर से वेपोराइजर, वेपोराइजर से दो पाइपें निकली है, एक वैक्यूम के लिए एक गैस के लिए। दोनों पाइपें हमने इस डिग्गी से होल करके निकाली, जो कि जिप टाई के द्वारा बांध दिए हमने। फिर ये इधर फिर इधर होते हुए एक इसके होस पाइप में चली गई, एक इसके वैक्यूम में चली गई। अब इसको गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और रोड पे चला के आपको दिखाएंगे। जैसा कि गैस पर तो ये गाड़ी एकदम परफेक्ट तरीके से स्टार्ट है। अब जब इसमें गैस टैंक में गैस ख़त्म हो जाएगी तो पेट्रोल पर कैसे स्टार्ट होगी वो भी आपको दिखा देते हैं। हमने ऐसा क्या किया है जो आसान तरीके से आप घर पर कर सकते हो वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम रेगुलेटर से गैस को बंद कर देंगे, जो कि हमने बंद कर दिए, और फिर अब स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट नहीं होगी घर पर, देखो अब ये स्टार्ट नहीं होगी। अब इसको पेट्रोल से स्टार्ट करेंगे और प्रूफ करने के लिए ये रेगुलेटर खोल के अलग कर दिया। रेगुलर यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है। फ्यूल टैंक से इसकी फ्यूल की पाइप को कनेक्ट करेंगे, जैसा कि हमने कर लिया है। पेट्रोल ऑन करेंगे। अब ये पेट्रोल इसमें भरने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि हमने इसके कार्बोरेटर को पहले खाली कर दिया था। अभी हमने क्या किया, जैसा कि हमने आपको पहले कहा था, पेट्रोल के लिए इसमें चाहिए ज़्यादा हवा और गैस के लिए चाहिए कम हवा। हमने यहाँ पर तो एक ढक्कन लगा दिया जिससे इसकी हवा को ब्लॉक कर दिया। अब पेट्रोल पर वापस चलाएं तब इसको हवा चाहिए। हमने क्या किया, एक होल करा, उस होल की साइज़ रखी इस चेन कवर के ढक्कन की साइज़। ये जो चेन कवर का जो ढक्कन है इसके साइज़ की हमने होल कर लिया इस पैनल में। फिर ये ढक्कन लगा दिया। इस ढक्कन को हम जब भी लगाएंगे तब हमारी गाड़ी आसानी से गैस पर चलेगी, और जब हमें पेट्रोल पर चलाना होगा तब हम इस ढक्कन को खोल देंगे। खोलेंगे इस ढक्कन को लगाने से हमें दो फायदे होंगे। एक दुविधा यह होगी, जब भी कभी रास्ते में गाड़ी बंद हो जाएगी तो हमें खाली रुक कर ये ढक्कन खोलना पड़ेगा, बाकी पेट्रोल पर वही एवरेज आएगा जो कि आपकी बाइक पहले दे रही थी। आपका माइलेज नहीं बिगड़ेगा, खाली एक ढक्कन खोलने की थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। जैसे ढक्कन खोलेंगे ये उतना ही बड़ा होल है जैसा कि यहाँ पर होस पाइप में दे रखा है, तो इससे आपके माइलेज में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। वही माइलेज देगी जैसे पहले 65 दे रही थी, 70 दे रही थी, तो वही माइलेज रहेगा। और अब इसको पेट्रोल पर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने ढक्कन खोल दिया है, वहाँ से गैस का रेगुलेटर भी अलग है, ओनली फॉर फ्यूल जा रहा है यहाँ से पेट्रोल। अब इसको कीक मारते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि रेगुलेटर अलग है, अब इसमें चोक लगाते हैं। देखिए दोस्तों, ये पेट्रोल पर एकदम मस्त स्टार्ट हो गई है बाइक। इस तरह से पेट्रोल पर भी चल जाएगी बाइक और गैस पर भी चल जाएगी। अब इसको वापस गैस पर ही स्टार्ट करेंगे, एक सीट लगाएंगे, पैनल लगाएंगे, इसको बाहर लेंगे रोड पर, इसको चलाएंगे, फिर आपको वीडियो में और दिखाएंगे। जैसा कि दोस्तों बाइक की हमने ट्रायल ले ली है, एकदम बढ़िया चल रही है और दब भी नहीं रही है और बढ़िया बिल्कुल रेस पकड़ रही है। जैसा कि हमने फ्यूल को बंद कर रखा है और गैस पे चालू है गाड़ी। ये भी दिखा देते हैं आपको, ये ऑन है, ओनली फॉर LPG पर ही चल रही है बाइक। बने रहे इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।